ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट बी, हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पॉलन ग्रेन्स? 16, क्योंकि वन पॉलन मदर सेल जो है दैट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज प्रोड्यूसिंग 4 पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, पॉलन्स कितने बन रहे हैं? 4, एक मियोटिक डिवीजन से, एक मदर सेल से. तो अभी उसने बोला है 64 बनाने हैं पॉलन ग्रेन्स, तो कितने चाहिए? दैट इज डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बी 16 मदर सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन माइक्रोपाइल चिलाजा एंड हाइलम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपस. व्हेन इट इज लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन देन इट इज ऑर्थोट्रोपस, व्हेन इट इनवर्ट्स लाइक दिस इट इज एनोट्रोपस. नेक्स्ट जो डायग्राम था दैट वॉज ऑफ एनोट्रोपस, ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है दैट इज ऑफ एनोट्रोपस. ठीक है, नाउ एनोट्रोपस में आपको लेबलिंग बोली थी, लेबलिंग अब आपको मैं डायग्राम में नहीं दिखा रही हूँ. हेयर इज फर्स्ट पार्ट ए, अगर आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो तो ए पार्ट जो है व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस ए पार्ट, वन सेकेंड, हाइलम. हाइलम. व्हाट इज द बी पार्ट? क्यूनिकल. क्यूनिकल, वो जो ऊपर स्टॉक लिख दिया है. सी क्या है? यस, माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल, वेरी गुड. एंड डी क्या है? न्यूसेलस. न्यूसेलस, हाँ, क्योंकि ई अंदर लाइन है तो वो न्यूसेलस है डी. और ई क्या है? एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट, जो भी उन्होंने नाम दिया होगा उस हिसाब से. वन सेकेंड, हाँ जी. सो दिस इज, हाँ, सो दिस इज द आंसर. ऑप्शन इज सी, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसैक. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो choose the option that are true for the typical female gametophyte. Female gametophyte के लिए typically क्या सही है ये आपको choose करना है. You have to say yes or no. Okay. First is it is 8 nucleated and 7 celled at maturity. Is it? ठीक है, right. Next is it is free nuclear during the development. आप लोगों को हमने करवाया था जब एंडोस्पर्म वगैरह बनते हैं, मैंने तीन types के करवाए थे. हाँ, free nuclear से बनता है ना, क्योंकि free nuclear का मतलब क्या होता है? ओनली न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं, वॉल्स नहीं बन रही, हाँ, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा. ठीक है, सो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही है, दैट इज इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. करेक्ट. नेक्स्ट इज इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस. उल्टा बोला ना, यहाँ पे मैंने उल्टा बोला, इनसाइड द इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट से तो अंदर है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड द न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाहर नहीं है, उसके भी अंदर ही है. ठीक है, सो ये उल्टा बोला. It has an egg apparatus situated at the chalazal end. जो typical female gametophyte है उसका egg apparatus हमेशा chalazal end की side होगा? No. Egg apparatus होना ही हमेशा micropylar side पे. ठीक है, so this is 3 and 4 wrong, 1 and 2 correct. Answer is C. ठीक है, correct. Next is match the column. Match the column, same term C, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है. This is funicle. It is the stalk of ovule. कल discuss कर चुके हैं. Integument, protective envelopes of the ovule, chalaza, basal part of the ovule, hilum is the junction part of the ovule and the funicle, and the micropyle is the small opening of the ovule. Correct? Isme micropyle extra aaya hai, baki terms thodi definitions alag kar di hain. Theek hai? So the correct order for the fifth question is A, that is 2, 3, 5, 4, 1. Theek hai? Jinke paas question papers hai, mark kar lo, nahi to likh ke rakh lo, baad mein match kar lo. Okay, next is select the incorrect statement. Now you have to find incorrect out of these. First is seminal gland is derived from the mesonephric duct. Is it correct? हम इसमें से A और C में doubt. A और C में doubt था. और perfect कौन सी लग रही थी? A का तो आपको knowledge नहीं है, है ना? इसलिए doubt था. वैसे D में भी था. अच्छा, D में भी था. Okay, let me read all first. देखो हमें क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ इनकरेक्ट करेक्ट वाला आता है, कई बार कुछ टर्म्स या कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने पहले नहीं पढ़ी होती. ठीक है, अगर हमने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आप उसको इग्नोर एंड क्वेश्चन मार्क में रखा करो. ठीक है, उसको क्वेश्चन मार्क में रखो. जैसे उसने इनकरेक्ट बोला है तो कोई एक ही इनकरेक्ट होगी, मल्टीपल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स तो नहीं है, है ना? मल्टीपल में आंसर नहीं था हमारा फर्स्ट थिंग. अब एक इनकरेक्ट जो 100% नजर आ रही है वही आंसर, जो बाकी की पार्शियल थॉट है हमारा या जो हमें समझ नहीं आ रही है वो होंगी पक्का. आपके फाइनल पेपर में भी ऐसी टर्म्स होंगी, ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, जिनके बारे में शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, पर जो आंसर है उसका इन्फॉर्मेशन पक्का होगा.
समझो मेरी बात कहने का मतलब क्या है कि जो सीबीएसई भी है आपको वो भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं डालने वाले हैं, ऐसा कुछ पॉइंट, ऐसा कुछ लाइन, ऐसा स्टेटमेंट नहीं डालेंगे जिसमें आप बिल्कुल आंसर ही ना ढूंढ पाओ। ठीक है, कंफ्यूजन सिर्फ उन टर्म्स में या उन लाइंस में, उन स्टेटमेंट्स में होगी जो आंसर ही नहीं हो। ठीक है, ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होता है कि हमने ऐसी लाइंस डाल दी जो पता ही नहीं कहाँ से आ गई। जैसे अभी मेरी ये वाली लाइन है, सेमिनल ग्लैंड इज डिराइव फ्रॉम द मेसोनेफ्रिकल, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, वी कीप इट असाइड। ओके, सेकेंड इज प्रोस्टाग्लैंडिंस इन सेमिनल डक्ट सिक्रीशन सप्रेसेस द फीमेल इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सीमेन। इतना तो पता है कि फॉरेन सीमेन के लिए जो उसका रिस्पॉन्स है वो तो सप्रेस होना ही है, तभी एक्शन होना है। ये करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट नहीं, ये तो बिल्कुल कट गया, आंसर बी कट गया। सी, सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल ग्लैंड इज एसिडिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर, है ना, ये तो हमें परफेक्ट का पता है कि रॉन्ग है। ठीक है, डी, इनर लेयर ऑफ द सेमिनल ग्लैंड इज कंप्राइज्ड ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम, दैट इज अगेन करेक्ट। ठीक है, तो हमारी एक ही रॉन्ग बन रही है जो हमें 100% पता है, दैट इज द सिक्रीशन इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक। एंड व्हाट इज द एल्कलाइन लेवल ऑफ दिस, एल्कलिनिटी कितनी होती है, ये लिख लो, सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल ग्लैंड इज एल्कलाइन इन नेचर, व्हाट इज द एल्कलिनिटी, इट इज नियरली 7.2 to 7.4। ठीक है मैम, लेकिन मैंने एक और बुक में पढ़ा था वहां पे सेमिनल ग्लैंड की जो थी सिक्रीशन वो 6.5 बता रहे, 6 points में था। हाँ जी, सेमिनल वेसिकल्स का नहीं हो सकता। हाँ जी, एक जगह पे 7.3 था और एक जगह पे, नहीं नहीं आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा होगा ये, आप अपनी एनसीईआरटी लाइंस रीड करो, उसमें भी गिवन होगा। जितने क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, जो सिर्फ आंसर वाली लाइन है वो सारी की सारी एनसीईआरटी से, आंसर वाली स्टेटमेंट्स, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आना कुछ। जब एनसीईआरटी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पढ़ी हुई है, एक एक अक्षर पढ़ा हुआ है ना, समझ के दिमाग में रखा हुआ है, तो तुम्हारे को पेपर नहीं मुश्किल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ये एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं। स्टिल आई विल चेक इफ यू हैव सीन इट समवेयर, आई विल चेक इट, आई विल क्रॉस इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इनर पोर्शन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर वाले पोर्शन में क्या क्या होता है, सटोली सेल, मेल जर्म सेल, दोनों होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल नहीं होते, सो बोथ आंसर इज देयर, दैट इज सी। ठीक है, बोथ सटोली एंड मेल जर्म सेल, अब ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन जहां ये स्टार्ट करता है ना अपना फीमेल, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां स्टार्टिंग लाइन में दिया है टू टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड ये। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ के पता चलेंगी। ओव्यूलेशन रेगुलेट बाय विच हार्मोन, TSH, ACTH, ADH, FSH एंड LH, FSH एंड LH, ओव्यूलेशन दोनों आएंगे। हाँ जी, एनीवन, हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म वाला फ्लो चार्ट बनाया था हार्मोनल कंट्रोल का, हम ऑप्शन रिपीट करना, ऑप्शंस आर TSH, ACTH, ADH, FSH एंड LH, इकट्ठा है डी ऑप्शन में, FSH एंड LH, मैं FSH एंड LH हो, FSH एंड LH होगा, पहला LH होता है ना ओव्यूलेशन के लिए, तो FSH क्या करेगा वहां पे, FSH के नीचे होने से कुछ नहीं हो रहा, LH के बढ़ने से ओव्यूलेशन होता है, FSH तो ऑलरेडी ज्यादा है, जब आपका ग्राफ होता है तो वो FSH ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन जो LH है वो एकदम से पीक लेता है, FSH तो ज्यादा ही था लेकिन LH उससे भी ऊपर हो गया तो ओव्यूलेशन होता है, LH होने। लेकिन अगर आप इसका हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे तो इट स्टार्ट विद द गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज, FSH LH जो है इनकी भी रिलीज, दैट इज यू कैन से mediated by or it is accelerated by ACTH. FSH तो है ही नहीं है, FSH तो है ही नहीं है, कहाँ डायग्राम में शो किया, तो FSH LH दोनों ओव्यूलेशन के लिए नहीं है, देखा है आपने फ्लोचार्ट, दोनों ओव्यूलेशन के लिए नहीं होते हैं, हाँ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, हाँ तो ये गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाता है ना, गोनाडोट्रोफिन्स जो हमारे ये GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ये दोनों रिलीज होने, तो ये इनिशियल इट इज स्टिमुलेटेड बाय ACTH। ठीक है, एनी डाउट,
स्टिल आई विल मेक इट वेरी श्योर एंड आई विल शो यू दैट फ्लो चार्ट जहां पे ये दिया हुआ है ACTH रेगुलेटिंग GnRH रेगुलेटिंग FSH एंड LH, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा. नेक्स्ट इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लिटोरिस, ठीक है. नाउ मैच द फॉलोइंग विद द फंक्शंस, ठीक है. यहाँ पे अब ये देखो क्वेश्चन सेट दूसरे में जिनका बी नहीं था वो देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको आया है, मैंने वैसे आंसर्स लिख दिए साथ में, पर ये डायग्राम था ABCD दिया हुआ था और साथ में आपको इनके फंक्शंस, ये नीचे फंक्शंस मेंशन्ड है, ठीक है. तो फंक्शंस को मैच करना था उनके पार्ट से, लेबलिंग नहीं है ये, फंक्शन को मैच करना था. अब फंक्शन किसी एक फंक्शन के तीन पार्ट्स भी हैं, यानी पहला है प्रोड्यूस स्पर्म. प्रोड्यूस स्पर्म कौन करेगा? टेस्टिस ऑब्वियसली, है ना, स्पर्म्स तो टेस्टिस ही बनाएगी. तो यहाँ पे लेबलिंग में कौन सा है टेस्टिस? दैट इज जी, ठीक है. फिर उसके बाद कंडक्ट्स द स्पर्म थ्रू द पेनाइस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कौन करेगा? थ्रू द पेनाइस टू द आउटसाइड, पेनाइस से आउटसाइड टू द बॉडी कौन लेके जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट या द यूरेथ्रा, है ना. तो वो हमारे यहाँ पे ई मार्क किया हुआ है, आपके डायग्राम जिनके पास है सेट बी देख लो, ई मार्क किया हुआ है. नेक्स्ट इज प्रोड्यूस द सेमिनल फ्लूइड, फ्लूइड कौन बनाएगा? तीनों बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल तीनों बनाएंगे. तो ये हमारे पास पार्ट्स लेबल्ड हैं ए सी और डी, ए सी और डी तीनों लेबल्ड है ग्लैंड्स, ठीक है. नेक्स्ट आता है लास्ट, कनेक्ट द एपिडाइडमिस विद यूरेथ्रा. एपिडाइडमिस को यूरेथ्रा से कौन कनेक्ट करता है बीच में? बस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, हमें नाम तो देना नहीं है लेकिन यहाँ पे लेबल किया हुआ है पार्ट बी, ठीक है. तो बी पार्ट यहाँ पे लेबल्ड है, उसको हमने लिख दिया फॉर द फोर्थ फंक्शन. सो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता था, शायद ए में नहीं था फंक्शन को लेबल करना, ए में सीधा लेबलिंग था, बी में फंक्शन लेबलिंग था, ठीक है. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है. स्टेटमेंट वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, वन इनकरेक्ट है, टू करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट, ठीक है. द मेसेंट्री ऑफ यूट्रस इज मेसोमेट्रियम, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये एनसीईआरटी के बाहर से आया है, शायद दोनों कराया है. मैंने मेसेंट्री नहीं कराया, मैंने मेसोमेट्रियम करवाया. हाँ जी बोलो. शायद दोनों ट्रू है, दोनों रॉन्ग है, ट्रू है, दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू हैं. जो मेसेंट्री ऑफ यूट्रस होती है ना, ये मेसोमेट्रियम है, जो यूट्रस, जो मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस को कवर करती है, जो सिर्फ हमारे ओवरी पोर्शन को छोड़ के या ट्यूब पोर्शन को छोड़ के, अंदर दोनों पार्ट्स को, ये मतलब अंदर सारी यूट्रस को कवर करती है, दैट इज मेसोमेट्रियम. सो इट इज ट्रू, ठीक है. अगर आप अपने नेट पे लिखोगे ना व्हाट इज मेसेंट्री ऑफ यूट्रस या मेसेंट्री ऑफ यूट्रस, वो साथ ही नाम देता है मेसोमेट्रियम इज कॉल्ड एज अ मेसेंट्री, ठीक है. हाँ हाँ हाँ. तो मेसोमेट्रियम कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. यस, मेजॉरिटी ऑफ मतलब सारा नहीं, 100% नहीं, लेकिन ज्यादातर जो यूट्रस का ब्रॉड लिगामेंट है वो सारा मेसोमेट्रियम के साथ कवर्ड है, मतलब उसके साथ बना हुआ है, जुड़ा हुआ है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूट्राइन ट्यूब्स और ओवरी पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा यूट्रस जो है वो लाइन बाय मेसोमेट्रियम. ये याद कर लो, अगली बार से क्वेश्चन हो सकता है आई टू, ठीक है. सिलेक्ट द करेंट सीक्वेंस ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. नाउ द इवेंट्स यू हैव टू जस्ट प्लेस इट इन द ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाने हैं. पी क्यू आर एस हमारे सीक्वेंसेस हैं. अब आपका पी क्या है? फ्यूजन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स, ठीक है, टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट फर्स्ट. सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन कोन टू रिसीव द स्पर्म, ये सेकेंड है क्यू, ठीक है. देन रिलीज ऑफ द स्पर्म लाइसिन फ्रॉम एक्रोसोम. बताओ, पहले एक्रोसोम अपनी लाइसिन प्रोड्यूस करेगा बाद में फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, या पहले कोन बनेगा बाद में लाइसिन सिक्रीट होगा? पहले लाइसिन सिक्रीट होगा, पहले लाइसिन सिक्रीट होगा. यानी आर और क्यू तो हमारे इकट्ठे हो गए,
ठीक है, पहले लाइसिन सिक्रीट होगा एक्रोसोम से, फिर कोन बनेगा जिसमें से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आए। लास्ट इज मिक्सिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये तो लास्ट ही होना चाहिए, ये लास्ट ठीक है। सो एक बचा हमारा फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकेंडरी यूजल, थर्ड नंबर पे ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंसेस आर क्यू पी एस, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कौन सा पार्ट ओवरी का एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है? स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड ग्राफियन फॉलिकल। क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट करेंगे, जो हार्मोन रिलीज करता है, डक्टलेस होता है ना, फिर उसके बाद हार्मोन रिलीज करता है, कोई ऐसी चीज थ्रो करता है जो कि उसके साथ उसके आगे टारगेट जोन पे जाएगी, इट विल बी कंडक्टेड थ्रू, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन है। अब इनमें से कौन है? स्ट्रोमा तो देखो फ्लूइड है, वो तो गलत ही हो गया, स्ट्रोमा तो सारा इनर कॉर्टिकल फ्लूइड है ना उसका, वो गलत हो गया। जर्मिनल एपिथेलियम कली लाइनिंग है, वो भी गलत हो गया। वाइटलाइन मेम्ब्रेन वो तो वैसे ही बाहर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो जो ओवा के स्ट्रक्चर की बाहर की मेम्ब्रेन है वो तो मेम्ब्रेन है। ग्राफियन फॉलिकल जिसने रिलीज करना है कुछ, ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल। ओके, मैच द कॉलम्स, कॉलम वन एंड टू विद द सेलेक्ट ऑप्शंस। ओके, वन इज हैविंग द नेचुरल मेथड, आईयूडी, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ये मेथड्स हैं। कॉलम टू में है हमारे पास क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि ये सेकंड नेम दिया हुआ है, LNG20, डायफ्राम, मल्टीलोड, सहेली निरोध, ये सारी एग्जांपल्स हैं, CUT भी एग्जांपल है, स्टरलाइजेशन और वैसेक्टॉमी मेथड्स हैं, मतलब कॉलम टू में सब कुछ मिक्स्ड है। हाँ, इजी होगा वैसे। नेचुरल मेथड्स में बताओ इनमें से क्या आएगा? क्वाइटस इंटरप्टस आ जाएगा और हाँ जी, और क्या होगा? कुछ नहीं, LNG20 है, डायफ्राम, मल्टीलोड, सेली निरोध, स्टरलाइजेशन, वैसेक्टॉमी, CUT, कुछ भी नहीं है, नेचुरल बस एक ही है, क्वाइटस इंटरप्टस, ए का आंसर वन है, सब में ही वन है। अच्छा, नेक्स्ट इज IUDs, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, कॉपर्टी और मल्टीलोड, LNG, तीनों है, 2, 4 एंड 9, सिर्फ ए वाले में ही दिया हुआ, देखो सीधा ही आ गया हमारा, 2, 4 एंड 9 सिर्फ ए वाले में है, बाकी बी सी में 2, 4 है और 6 एंड 9 है जो गलत है, 2, 4, 9 तीन एग्जांपल्स हैं, यहीं पे खत्म, बाकी सारा कुछ करने का टाइम नहीं वेस्ट करना जहां आंसर मिल रहा है, क्योंकि बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, ये देखो अब आपको मैं दिखा दूं, ए सेट में ऐसा भी कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इफ यू कैन सी द ऑप्शंस राइट हियर, हाँ जी, ये देखो कितना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ, इतनी सारी ऑप्शंस को आप फाइंड आउट करने बैठोगे बहुत टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। अब हमारा तरीका क्या होता है, हम फर्स्ट वाले में मैच किया, मैंने देखो जैसे ए का वन सब में ही है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने तीन एग्जांपल्स ढूंढी, ये बी वाले में 3 है, बाकी सब में 2, 2, 2 है, यहीं से फाइंड आउट हो गया आंसर बी है, बाकी मैंने भी नहीं मैच किया था, वैसे आप कर लेना, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और आंसर ज्यादा बेटर जा रहा है तो यू कैन प्लीज टेल मी, मैंने भी यहीं पर रोक दिया था, ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं देखा। अच्छा, नेक्स्ट इज 15 द अलील, बाकी मैच करके देख लेना सी डी और ई जस्टिफाई हैं कि नहीं है, ठीक है, नहीं हुए तो मुझे बता देना, हाँ जी। नेक्स्ट इज 15 द अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड, वो अलील जो दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, होमोजाइगस में भी और हेटरोजाइगस, डोमिनेंट अलील, क्योंकि वो होमोजाइगस पेयर में भी आएगा, होमोजाइगस में तो आना ही एक्सप्रेशन में, लेकिन हेटरोजाइगस में भी यही आएगा। इन माइस ब्लैक कोट कलर अलील कैपिटल बी इज डोमिनेंट टू ब्राउन कोट कलर अलील बी स्मॉल बी, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ ब्लैक माउस एंड अ ब्राउन माउस, द क्रॉस इज कैपिटल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल बी, ठीक है, दिस इज द क्रॉस, वर अलाउड टू इंटरब्रीड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव द ब्लैक कोट्स, ब्लैक कोट इज विद कैपिटल बी, हाँ जी, ब्लैक कोट्स सारे ही आ जाएंगे हेटरोजाइगस, ब्लैक कोट कलर इज अलील कैपिटल बी इज डोमिनेंट टू ब्राउन कोट कलर अलील स्मॉल बी,
द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ ब्लैक माउस एंड ब्राउन माउस वर अलाउड टू इंटरब्रीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव द ब्लैक कोट्स 100% क्योंकि उसने बोला है अनिल की जो हाँ जी मैम इसके साथ वो ईयर लोब वाला क्वेश्चन भी करा दो क्या कह रहे हो इसके साथ वो ईयर लोब वाला क्वेश्चन भी करा दो हाँ वो भी तो ऐसे ही आपका वाला सेट का आपके वाले सेट का मतलब यही दोनों में था वो दोनों में ही था मैं दोनों का करा देती ईयर लोब्स वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा पहले सेट ए का ईयर लोब्स वाला क्वेश्चन था एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन था बताएंगे आप शिवम प्लीज I'm not finding it. Please tell 38. अच्छा हाँ जी सो हेयर इट इज इन सेट ए पहले मैं बता रही हूँ ईयर लोब्स वाला इफ अ मैन विद अटैच्ड ईयर लोब रिसेसिव अटैच्ड ईयर लोब्स रिसेसिव है और डोमिनेंट उसने बोला है फ्री ईयर लोब्स तो मैं फ्री ईयर लोब्स का कैपिटल एफ से ले रही हूँ और रिसेसिव वाले को स्मॉल से ले रही हूँ विच इज अटैच्ड ठीक है Then what will be ये cross किया with a woman having the free ear lobe? Then what would be the chances of the son to have the free ear lobe? Free वाला dominating है 100% क्या मुश्किल था ठीक नहीं नहीं मैं दूसरा character जो दिया है ना तुम्हें and hairy pinna है ना ये सिर्फ एक जगह बोला है देखो first वाला character क्या बोला था मैंने if a man with attached ear lobe recessive and hairy pinna married a woman with free ear lobe dominant दूसरा करेक्टर नहीं बोला जब दो करेक्टर नहीं है तब हमने इसको डाईहाइब्रिड नहीं लेना तब तक के लिए ये मोनोहाइब्रिड है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था ठीक है यस मैम मुझे लगा था वो दूसरा केस तो नहीं लेना हेटरोजाइगस कंडीशन वाला हेटरोजाइगस वाला क्लियर है ना हेटरोजाइगस अच्छा नहीं क्यों नहीं लेना ये देखो यहां पे लिखा हुआ है जब डोमिनेंट फ्री एयर लो और रिसेसिव अटैच्ड एयर लो ये डोमिनेंट ठीक है है ना ये तो इजी है और दूसरे सेट में भी ऐसा ही था क्वेश्चन सेम ही नंबर पे होगा 38 हाँ ये रहा इफ अ फीमेल विद अटैच्ड एयर लोब रिसेसिव अटैच्ड एयर लोब्स रिसेसिव है मैरिड विद द मेल हु इज होमोजाइगस अच्छा मैरिड अ मेल होमोजाइगस फॉर यहाँ पे मेंशन था होमोजाइगस फॉर फ्री एयर लोब अगेन डोमिनेंट स्पार्स हेयर ऑन पिन्ना यहाँ देखो सेकंड करेक्टर मैंने सेकंड वाले में दे दिया ठीक है एक पेरेंट में दो करेक्टर दिए एक में एक भी है तो मींस इट इज नॉट अ डायहाइब्रिड क्रॉस इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है नंबर वन सेकेंडली ये फ्री एयर लोब्स हैं अटैच्ड एयर लोब्स जो हैं वो क्या हैं रिसेसिव हैं फिर उसने कहा है व्हाट वुड बी द चांसेस ऑफ द डॉटर टू हैव द अटैच्ड एयर लोब्स अटैच ढूंढना है अटैच रिसेसिव है तो नो चांसेस इट इज 0% बी सेट में 38 क्वेश्चन का 0% आंसर आएगा ठीक है ठीक है कि नहीं ओके नेक्स्ट इज इफ अ हीमोफिलिक मैन कैरीज सॉरी मैरिज अ करियर वुमेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर देयर प्रोजेनिस मतलब क्या है हीमोफिलिक मैन है मैन हीमोफिलिक है अब यहाँ आप क्रॉस में बना के इसको देख सकते थे मैन इज हीमोफिलिक एंड मैरिज अ करियर वुमेन मतलब ये ठीक है अ करियर वुमेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द प्रोजेनी प्रोजेनी बना के देख लो पहले हीमोफिलिक फीमेल आएगी ठीक है दैट इज XHXH करियर फीमेल आएगी ठीक है हीमोफिलिक मेल भी आएगा और नॉर्मल मेल भी आएगा प्रोजेनी रेडी है लाइंस पढ़ो अब देखो क्या आंसर आता है मैच करता कि नहीं 50% डॉटर्स आर करियर्स ये हीमोफिलिक फीमेल है ये हमारे पास क्या है दिस इज करेक्ट ढूंढना की इनकरेक्ट अच्छा होल्ड्स ट्रू फॉर द प्रोजेनी ये हमारे पास क्या है दिस इज हीमोफिलिक फीमेल दिस इज द कोई और कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा दिस इज ये नहीं ये तो फीमेल है ये मेल है सॉरी ये मेल है ये भी इन्फेक्टेड मेल है ये नॉर्मल मेल है अब वो कह रहा है 50% डॉटर्स आर करियर एंड 50% आर हीमोफिलिक जो डॉटर्स हैं हमने XX कॉम्बिनेशन एक ही बनाया है ये डबल बार लिख दिया मैंने सॉरी ये टू टाइम्स लिख दिया दिस इज XH बाय दोबारा बनाती हूँ ठहरो टाइट हो गया नहीं नहीं डॉट नहीं एच ही होता है इसको रिप्रेजेंट भी एच से ही करते हैं ठीक है ये बोला ना अब ये आ गया हमारे पास हीमोफिलिक फीमेल ये आ गया नॉर्मल मेल अब ये आ गया हीमोफिलिक मेल
और ये यस ये कॉम्बिनेशन है फीमेल का, ठीक है। सो ये दोनों फीमेल्स हैं, ये दोनों मेल्स हैं, अब सही है। अब कह रहा है कि 50% डॉटर्स आर करियर्स एंड 50% आर हीमोफिलिक, करेक्ट है, क्योंकि डॉटर्स की बात कर रहे हैं। डॉटर्स में यस ऑफ कोर्स ये दोनों डॉटर्स हैं, 50% हीमोफिलिक हैं और 50% करियर्स हैं, वेरी राइट। नेक्स्ट इज ऑल द डॉटर्स आर हीमोफिलिक, रॉन्ग। नेक्स्ट इज ऑल सन्स आर हीमोफिलिक, अगेन रॉन्ग, नॉर्मल है। ऑल सन्स नॉर्मल और डॉटर्स करियर्स, रॉन्ग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने बेटा अभी बोर्ड्स का टर्म वन देना है, ठीक है, यहाँ खत्म नहीं है ये एमसीक्यूज हमारे, ये खत्म नहीं है, ये अभी एक तरह से शुरुआत है ना। आपको ये तरीके पता चल रहे हैं आपने सॉल्व किस तरह करना। क्वेश्चन आया पहले रफ में बना लो, क्रॉस ऐसा बना लो, फिर उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करो और जस्टिफाई करो, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड, नाउ यू विल सी दिस, दिस इज द वन सेकेंड, हाँ जी, इज दिस विजिबल? सो नाउ टेल मी व्हाट इज दिस ट्रेट, रिसेसिव है, क्यों रिसेसिव है, थर्ड में है ये, देखो इस बॉक्स में है, ठीक है, फिर उसके पेरेंट में है, लेकिन इसके अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी में भी नहीं है, रिसेसिव हो गया। तो दूसरा क्या है, डोमिनेंट, सॉरी ऑटोसोमल है क्या, एलोसोमल, मैंने क्या मार्क किया था, देखती हूँ, हाँ जी बोलो, ऑटोसोमल है क्या एलोसोमल है, क्यों एलोसोमल है, मेल टू मेल जा रहा है, मेल टू फीमेल तो है ही नहीं, हाँ तो यहाँ जहाँ इन्फेक्शन है तो मेल टू मेल जा रहा है, मेल से फीमेल थोड़ी जा रहा है, क्रिस क्रॉस, वो डोमिनेंट रिसेसिव का चक्कर है, यहाँ पे ये ऑटोसोमल आएगा, मैं बता रही हूँ ना। देखो एक चीज है, दो चीजें हैं आपके यहाँ, आपने हमेशा ये वाला ट्रेड जो होता है ना, ये क्वेश्चन पक्का आना है बोर्ड में, आपको ढूंढना है ऑटोसोमल है या एलोसोमल है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा आपको ढूंढना है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये तो सौखा है। तीन सक्सेसिव जनरेशन में पेरेंट टू, मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड, बीच में इधर उधर कहीं नहीं जाना, ठीक है, कनेक्टेड जनरेशन तीनों में प्रेजेंट है तो डोमिनेंट, किसी एक में भी एबसेंट है तो रिसेसिव है, ठीक है। ऑटो और एलो कैसे ढूंढना है, जब हमारे पास मेल टू फीमेल टू मेल जाए, ज्यादातर ये जाता है, ये क्रिस क्रॉस होता है, ठीक है, ग्रैंड फादर टू डॉटर टू ग्रैंड सन, मेल टू फीमेल टू मेल, या दूसरा हम ले लेते हैं फॉर द क्रॉस चेक फीमेल मेल फीमेल, ज्यादा ये क्रिस क्रॉस ऐसा चलता है, मेल से चलता है ग्रैंड फादर से, ठीक है। अब ये क्या है, फीमेल मेल फीमेल हो या मेल फीमेल मेल हो, ठीक है, तो अब ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा है कुछ भी है तो ये एलोसोमल हो। अब यहाँ पे दोनों मेल्स इन्फेक्टेड हैं, ऊपर नीचे दोनों मेल्स इन्फेक्टेड हैं, फिर ये ऑटोसोमल होगा। और दूसरी चीज, जब हम सेम जनरेशन देखें तो सेम जनरेशन में उल्टे इफेक्टेड होंगे, फीमेल मेल है ना, मेल फीमेल या मेल फीमेल, अगर एक ही जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों इन्फेक्टेड आ रहे हैं लेकिन ऊपर पेरेंट्स में कोई एक इन्फेक्टेड है, फिर ये रॉन्ग हो गया, एलोसोमल पैटर्न नहीं है, समझ आया। जैसे ये हमारे पास पेडिग्री है, ये देखो दिस इज लेट से ये पेडिग्री है, मैं बना के रफ में दे रही हूँ, ठीक है, ये ठीक है, यहां मैंने इन्फेक्शन फीमेल में और मेल में दोनों में दे दी। अब फीमेल को इन्फेक्शन तो मेल से आनी चाहिए थी, क्रिस क्रॉस तो ये कहता है कि मेल से फीमेल में और उसके बाद इस मेल में आए, यहां तुम्हें ये क्रिस क्रॉस नजर आ रहा है, पर यहां मेल से मेल कैसे चलेगे, ये रॉन्ग है ना। एक जनरेशन में जब मेल और फीमेल दोनों इन्फेक्टेड होंगे ऑटोसोमल, ये सौखा तरीका ढूंढने का, और अगर कंफ्यूजन लगे तो फिर ये क्रिस क्रॉस चेक करो, ठीक है, ये दोनों चीजें सपोर्ट करनी चाहिए ऑटो हो जाए, ऑटो और एलो ढूंढने के लिए। डोमिनेंट रिसेसिव तो पता ही है, 1 2 3 सक्सेसिव जनरेशंस में जाना, ये दोनों तो ऑटो हो गए, अगर ये बीच में ना होती इन्फेक्टेड, ये होता तो ये ऑटोसोमल होता ना, मेल टू मेल,
मेल टू फीमेल तो गया ही नहीं। अच्छा ये शेड हो गया, ये क्या करूं, ये दोनों क्या है, क्या करूं, नॉर्मल कर दूं। अच्छा ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। अच्छा अब नहीं, क्योंकि ये फीमेल को कहां से मिला हमें पता ही नहीं, ऑटोसोमल है इसमें भी तो ऐसे ही ऑटोसोमल। जब तक हमारे पास तीनों की इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक कुछ नहीं पता हमें वो एलो है कि नहीं, तब तक के लिए वो ऑटोसोमल है। ठीक है, जैसे अब ये हीमोफीलिया है, ये प्रॉपरली शेयरली इट इज एलोसोमल, मेल फीमेल चलता है ना। ये देखो मेल हीमोफिलिक था तो मेल नॉर्मल आएगा, यहाँ मेल हीमोफिलिक आएगा, है ना। तो ये इन्फेक्शन आगे लेके जाएगा उस तरीके से, इसका अपना पैटर्न होगा, इसका भी कोई फ्लो चार्ट ये होगा ना प्रीग्री एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा। ये एलोसोमल एक्स वाई से बात कर रहे हैं ना, तो जो करेक्टर्स का तो आपको पता होता है कि एक्स वाई से बात करते हो हमेशा करेक्टर्स वो एलोसोमल है, लेकिन यहाँ पेडिग्री एनालिसिस पे सिर्फ ट्रेट का नाम बोलते, कौन सा ट्रेट नहीं बोलते, जब उन्होंने ट्रेट ही नहीं बोला तो वो कोई भी ट्रेट हो सकता है, वो ऑटोसोमल एलोसोमल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था आपको कि इसमें कई ऑर्गेनिजम्स के आपको जीनोटाइप्स भी बोले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डाल दिया, अब आपको बोलते हैं बेस्ट मैच ढूंढो। मैच में क्या किया, कन्फ्यूजन में एक तो ये चारों के ऑप्शंस बना दिए, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एलोसोमल डोमिनेंट, एलोसोमल रिसेसिव, ये चार तो आ गए। साथ में उसने बोला कि जीनोटाइप भी प्लेस करिए करेक्ट पेयर में फॉर द ऑर्गेनिज्म 1 and 5 लेट्स। ठीक है, तो पहले आपने सॉल्व करना है जीनोटाइप, फिर आपने 1 5 का करेक्ट मैच ढूंढना। ये जीनोटाइप वाला क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी लेटर ऑन। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन योर पेपर्स, बिकॉज यू टुडे आर हैविंग योर पीटीएम, इफ यू हैव योर क्वेरीज यू कैन प्लीज कम टू मी। इफ समथिंग इज नॉट चेक्ड एंड इफ सम आंसर इज नॉट चेक्ड ओनली एंड ऑल्सो इफ द टोटलिंग इज रॉन्ग ओनली देन यू कम टू मी। ओके, otherwise if you have any controversial answer we can discuss it later। ठीक है, क्योंकि मैंने double check कर करके questions को discuss किया है, अपने में answers set किए हैं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, any doubts, anything you want to ask।